गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, पैसेज थ्री, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर रहे थे बेटा हम। हमने फर्स्ट और सेकंड पैसेज किया था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, आज हम करते हैं थर्ड पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। हमने ये पैसेज अच्छे से पढ़ना है। वन डे अ हंग्री वॉल्फ वॉज लुकिंग फॉर फूड इन द फॉरेस्ट। ही सॉ अ स्मॉल मेडो नियर अ रॉकी एरिया। एज ही वेंट नियरर He saw a large and healthy goat in the field. He silently moved toward the goat, but the goat was alert. She turned to the wolf and said, "Oh, you look very weak and hungry. I will feel happy if you eat me. After all, one must give up one's life to serve others." The wolf was very surprised but was so happy to hear this. Then he The god said, "I am so large, how will you eat me? You stand here on the ground with your mouth open wide. I will go up and run down the hill to jump straight into your mouth so that you can gobble me up." The foolish wolf did the same as the god said. He stood on the ground, but the clever god went up the hill and ran down towards the wolf with great speed. In no time, she hit the wolf's face, and with great force, the wolf immediately lay unconscious due to the injury, and clever god quickly left the place to save her life. आगे क्वेश्चन से देखिए बेटा, what was the wolf looking for? कैसा looking दिखाई दे रही थी? The wolf was looking for food in a forest. Wolf क्या कर रही थी? Forest में, food में. The wolf was looking for food in a फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द वॉल्फ सी नियर अ रॉकी एरिया? तो क्या लिखेंगे? द वॉल्फ सा अ लार्ज एंड हेल्थी गॉट नियर अ रॉकी एरिया। टर्निंग टुवार्ड द वॉल्फ, व्हाट डिड द गॉट से टू द वॉल्फ? तो आएगा टर्निंग टुवार्ड द वॉल्फ, द गॉट सेड दैट शी वॉज वीक एंड हंग्री। वाई वॉज द वॉल्फ सरप्राइज? सरप्राइज्ड क्यों थी? द वॉल्फ वॉज सरप्राइज टू हियर गॉट वर्ड्स। उसके उसकी हियर के बातों को सुन रही थी गॉट, तो उन शब्दों को सुन के वॉल्फ क्या थी? वॉज सरप्राइज टू हियर गॉट वर्ड्स। बकरी के शब्दों को सुन के वॉल्फ सरप्राइज थी। व्हाट हैपन टू द फुलिश वॉल्फ? द गॉट हिट द वॉल्फ फेसेस विद ग्रेट फोर्स। द वॉल्फ इमीडिएटली लेड अनकॉन्शियस ड्यू टू इंजरी। Write 2F for true and F for false statement. Angry wolf saw a small meadow. True. The wolf was surprised and happy to hear the god's idea. True. The foolish wolf did not see, do as the god said. False aega. The clever god went up the rocky hill and rained down the with great force. True. Soon the great fell unconscious due to injury. ये क्या आएगा हमारा? इसका false आएगा। नेक्स्ट है ये गार्डनर का पैसेज है, आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। वेयर डिड गार्डनर वर्क? गार्डनर कहाँ वर्क करता है? गार्डनर वर्क इन द गार्डन ऑफ ए रॉयल प्लेस। व्हाट वाज द वर्क ऑफ द गार्डनर? क्या वर्क था? वर्क ऑफ द गार्डनर वाज टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे। डेली प्लांट्स को वाटर देना गार्डनर का डेली का वर्क था। व्हाट डिड द गार्डनर Hear about one day? क्या सुना उसने? The gardener was worried because he wanted to go out. Who would look after the garden? वह देखभाल करना चाहता था। Why was the gardener worried? क्यों चिंतित था? Gardener asked the leader if he and his companion would help him. आगे देखिए, next question हमारा, what did the gardener see when he came back from the air? तो क्या देखा? The gardener saw problems. उसने देखा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है बाय द मंकीज के द्वारा। व्हेन ही कम बैक फ्रॉम द फेयर, जब वो मेले से वापस आया तो मंकीज के द्वारा काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इसमें देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन में, गार्डनर वर्क वाज टू क्या आएगा? वाटर द प्लांट्स। द नेक्स्ट डे द गार्डनर वेंट, क्या करना चाहता था? टू द फेयर, मेले में जाना चाहता था। लीडर ऑफ द मंकी सजेस्ट द अदर मंकीज, क्या आएगा? टू पुल आउट द ग्रास एंड वीड्स, खींचने के लिए ग्रास को। द होल गार्डन वाज फील्ड अप विद, किससे था? वेट सोयल, गीली मिट्टी से।
ये बेटा हमारे कंप्लीट हो गए थर्ड एंड फोर्थ पैसेज, हमारा ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो भी कुछ रहता है वो हम ऐसे लेटर में से हम बाद में करवा देंगे, अब हम करेंगे रीडर। आप इसको जो पैसेज हैं ये सारे 3-4 आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट करेंगे, 1-2-3-4 अपनी नोटबुक के अंदर राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।